बिग बॉस में एक्चुअली जब से मुझे पता चला है कि सिद्धार्थ और रश्मि है तब से मैं फॉलो कर रही हूँ. हालांकि बिग बॉस इतना मैं देखती नहीं थी, लेकिन इस बार का बिग बॉस वाकई इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा पर्सनल भी है. दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं, सिद्धार्थ और रश्मि. क्योंकि सिद्धार्थ को मैं जिस तरह से जानती हूँ वो जैसे हैं वैसे हैं, वो जिस तरह से हैं, और वो बहुत ही मस्तीखोर और चुलबुले और वैसे भी हैं, लेकिन अभी अभी जिस तरह से वो दिख रहे हैं तो थोड़ा कभी कभी लोगों को हाइपर भी लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो है. और रश्मि भी, रश्मि से मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि रश्मि खुल के आएगी, या रश्मि जिस तरह की थी दिल से दिल तक के सेट पे, सबको इकट्ठा करना, सबके लिए चलो कहीं बाहर जाना है, लेट्स प्लान समथिंग, हम बाहर सब मिलके खाना खाने जाते हैं, कुछ गेट टुगेदर करते हैं, वो हमेशा तैयार रहती है, सबको बुलाती है, सबको मैसेज करती है कौन सी जगह पे जाना है, प्लेस डिसाइड करना, ये करना वो करना, कंटिन्यूअली सबको फॉलोअप करना कि चलो भाई फाइनल डिसाइड करो. तो वैसी रश्मि अभी नहीं लग रही है, रश्मि को और थोड़ा वैसा रश्मि देसाई वालापन नहीं आ रहा. देखो लड़ाई झगड़े तो कहाँ नहीं होते, घर में भी होते हैं, हर जगह पे लड़ाई झगड़े होते हैं. सिद्धार्थ और रश्मि के अलावा पार्थ और शौर्वरी का कैरेक्टर देखा जाए, उन दोनों की केमिस्ट्री देखी जाए, तो वो उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग थी. वो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से वो दोनों कैरेक्टर को निभा रहे थे. हाँ, झगड़ा सेट पे कभी सबके सामने नहीं हुआ है, या ऐसा झगड़ा झगड़ा जैसा जिस तरह से बिग बॉस में अभी हम देख रहे हैं, तो वो वैसे टाइप का झगड़ा मैंने कभी नहीं देखा. ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, रोमांटिक सीन करना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है. टेलीविज़न में लोगों को जितना दिखता है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब हमें बहुत सारे लोगों के बीच में परफॉर्म करना होता है. तरह पर लोग होते हैं, कोई लाइटिंग पकड़ के खड़ा है, कोई लाइक देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड अस, और उनमें हमें ऐसे पर्सन के साथ रोमांस करना है तो कभी कभी डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाता है कि हमारे मूड, हमारी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें या काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट करती है आर्टिस्ट को, और आर्टिस्ट आर्टिस्ट के बीच की केमिस्ट्री. और शायद वो सॉन्ग था जो बहुत ही पहला सॉन्ग था, फर्स्ट सॉन्ग था दिल से दिल तक का, और जो लोगों ने बहुत तारीफ भी की और बहुत अच्छा दोनों ने किया. तो होता है ना, जब बिगनिंग में क्या है कि किसी सबकी केमिस्ट्री एक दूसरे से इतनी बनी नहीं होती, तब डिफ़िकल्टी हर एक चीज़ में आ जाती है. पर ये थोड़ी हाईलाइट हो गई, हालांकि मुझे भी मेरे कैरेक्टर को लेकर डिफ़िकल्टी आई होंगी और किसी को भी आई होंगी, सबको आती है, इनिशियली सेट होने में आती है. लेकिन एनीवेज ये हाईलाइट हो गई, पर इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है. डेट कर रहे थे, मैं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा मुझे नहीं कभी दिखा. और हाँ, बिग बॉस पे अगर कोई भी उनसे ये बात उगलवाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गेम खेलने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. किसी की पर्सनल लाइफ की अगर एक चीज़ आप खोलेंगे भी तो आपको वो काम एक आध वीक तक आएगी, जब वो चीज़ खुल जाएगी तो फिर आपको अपने दम पे ही खेलना है. तो जो भी उसने, और मुझे लगता है ये मामला ऐसा है कि हालांकि सबको बहुत इंटरेस्ट रहता है कि क्या था बीच में, तो ये बीच वाला मामला बीच में ही छोड़ दिया जाए और गेम को खेला जाए. क्योंकि कभी कभी जिस तरह से हम कैरेक्टर प्ले करते हैं उस तरह से केमिस्ट्री बनना शुरू हो जाता है, उस तरह से हम एक दूसरे को कभी कभी देखना शुरू हो जाते हैं. सेट पे हम लोग 18 घंटे 15 घंटे 12 घंटे रहते हैं, ऐसे सीन्स करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, केयर करते हैं, कोई गिर जाता है, और उनका तो था ही ऐसा नाजुक पूरा केमिस्ट्री वाला कि रश्मि जो माँ नहीं बन पाई और वो उन दोनों के बीच में तो था. तो कभी इंसान रियल लाइफ की भी कभी चीज़ें संभालना शुरू कर देता है. तो बीच में जो था वो बीच पे शो भी ख़त्म हो गया, छोड़ देना चाहिए. और शो में, बिग बॉस में भी ये सारी चीज़ें बार बार लानी नहीं चाहिए. देखो सिद्धार्थ का ऐसा है कि बोल देता है, मतलब इतना नहीं होता कि मैंने बोल दिया अब क्या होगा, उसको क्या लगेगा. वो थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए था. कभी भी मैं भी शो जब देखती हूँ तो मैं देखती हूँ, नहीं सिद्धार्थ शांत हो जाओ. तो मैंने पहले भी आपको बोला कि वो एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे दिख रहे हैं. पर इंसान जब जैसा दिखता है कि इतना लाउड दिखता है तो ज़रूरी नहीं कि वो इतना ही बुरा है, पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर इंसान को समझे. सिद्धार्थ अच्छे हैं मैं ऐसा बोलूँगी तो सब लोग यही बोलेंगे कि अरे तो इतना लाउड क्यों होता है, इतना डोमिनेटिंग क्यों होता है, इतना हाइपर क्यों होता है. पर वो होते हैं,
पर दैट्स इज नेचर, बॉडी लैंग्वेज इज कैरेक्टर, पर वो दिल से नहीं होता. और हाँ, जबान है, कभी फिसल जाती है, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना चाहिए कभी हमें. बिल्कुल सही नहीं था. पहले तो मैं रश्मि के बारे में, क्योंकि इतने टाइम पे सेट पे मैंने रश्मि के मुंह से अरहान नाम नहीं सुना. अच्छा, मान लेते हैं कि सपोज नहीं बोलना चाहा होगा उसे, या नहीं बताया, या नहीं बताना चाहिए होगी. पर जिस तरह से अरहान ने बोला, ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए. इंसान का वक्त बुरा होता है, इंसान तब टूट जाता है. तो आपने तो उस टाइम पे तो हेल्प कर दी, लेकिन अब ये जता के दूसरी बार आपको वही चीज़ें याद करवा के आपको दूसरी बार वही पेन दे दिया, उसी तरह से दोबारा तोड़ दिया. अभी उसको, रश्मि को सपोज़ ये सच होता, और अगर शायद ये सब किया होता, तो रश्मि तो दोबारा ही हर्ट हो चुकी ना उसी तरह से. तो मदद ही नहीं करनी थी, हेल्प करनी नहीं थी. और हेल्प करी क्यों? जताने के लिए, एहसान जताने के लिए, लोगों के बीच में दिखाने के लिए, बिग बॉस में अपनी नंबर बढ़ाने के लिए नहीं. अगर आपने दोस्ती के नाते या कोई भी एक्स वाई जेड नाते आपने हेल्प की, तो वो उसी को उसी तरह से उसकी गरिमा रखनी चाहिए थी. ये बिल्कुल सही नहीं है. मेरे तो रश्मि और सिद्धार्थ दोनों ही फेवरेट हैं, पर बाकी लोग भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं. पर मैं तो चाहूँगी रश्मि सिद्धार्थ दोनों ही जीत जाए. विनर अभी तो काफ़ी टाइम आगे बाकी है. सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेलते हैं, और मैं किसी एक को नहीं देखना चाहती. जैसे सेट पे भी मैं उन दोनों को कभी अच्छी तरह से साथ में ही हमेशा देखना चाहती थी, उसी तरह से मैं तो यहीं पे भी दोनों को साथ में ही देखना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ दोनों जीते. और टाई तो कितनी बार होती है, ऐसा नहीं कि लाइफ में कभी, हिस्ट्री में कभी टाई हुई ही नहीं है. मैं तो दोनों के लिए, और आज सिद्धार्थ का बर्थडे है, तो मैं उसे विश भी करना चाहती हूँ कि वो बहुत खुश रहे, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, और वो जैसा है वैसा रहे, साफ दिल, और दोनों जीत जाए.